हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है टाइम एंड वर्क का सेकंड चैप्टर है, समय एवं कार्य का दूसरा पार्ट है ये। पहले पार्ट में आपको बेसिक समझा दिया है, कुछ क्वेश्चन भी क्लियर करवाए। जिन लोगों ने नहीं देखे दोस्तों जाकर जरूर देखना। आज का जो हमारा चैप्टर है उसमें मैं आपको ऐसे सवाल कराऊंगा कि भाई ए जो है ये ए है ये बी है ना, इसने कुछ दिन काम किया, दो ये 15 दिन में काम पूरा करता है, ये 20 दिन में काम पूरा करता है, एक दिन ये काम कर लिया, दूसरे दिन ये काम कर लिया, तीसरे दिन ये काम कर लिया, चौथे दिन ये काम कर लिया, ऐसे करके ये काम को कैसे खत्म करेंगे वो सवाल हम पढ़ेंगे। और दूसरे टाइप ऐसे करेंगे, ये एक महिला है वो 8 दिन में काम करती है और एक पुरुष है वो 3 दिन में कर देता है, तो भाई 8 महिलाएं मिलकर और 4 पुरुष मिलकर, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ऐसे सवाल भी करेंगे। तो अगर आपको भी ऐसे सवालों में दिक्कत आती है तो भाई यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको सब सिखा दूंगा। तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई सब क्लियर करवा देगा। पहला क्वेश्चन देखो, इससे पहले अगर आपने पुराने चैप्टर्स नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई, जाकर देखना। पहला सवाल है, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। भाई ए जो है हमारा वो 10 दिन में समाप्त कर देता है काम को, बी जो है वो करता है 15 दिन में समाप्त। भाई बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में काम को समाप्त करता है। अब क्या हुआ, यदि भी एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे और ए आरंभ करे, ए स्टार्ट कर रहा काम को है ना, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। भाई इन दोनों का काम निकालना हमें, एक तो ज्वाइंटली काम निकालना इनका, तो फर्स्ट तो हम इनका ज्वाइंट काम निकाल लेंगे कि ए प्लस बी का ज्वाइंट काम कितना है। भाई मैंने आपको बताया यूनिट निकाल लो, 10 और 15 का लघुत्तम 30 होगा, तो टोटल कितनी यूनिट हो गई, 30 यूनिट हो गई। 10 का भाग देंगे 30 में तो 3 यूनिट आएगा, ना 3 काम कर रहा है ये और ये काम कर रही है 2 काम, ठीक है, ये 3 काम कर रही है, ये 2 काम कर रही है, टोटल काम 30 काम है, तो 3 और 2 5 हो गया, 5 का इसमें भाग देंगे 6 बार जाएगा, यानी 6 दिन। लेकिन हमारा आंसर जो है वो 6 दिन नहीं रहेगा, आपको याद रखना है, क्योंकि पहले दिन तो ए ने किया, दूसरे दिन बी ने किया है ना, तो यहां पर दोनों का 2 दिन का काम है, वो दोनों मिलकर 5 कर रहे हैं है ना, तो 6 दिनों में तो 6 × 2 होगा तो 12 दिन लगेंगे। भाई ये तो हमने दोनों का काम तब का निकाला जब ये रोज रोज कर रहे हैं। भाई ए ने पहले दिन 3 काम किया और दूसरे दिन बी ने काम किया तो उसने 2 काम किया, फिर तीसरे दिन फिर ये आया तो उसने 3 काम किया, बी आया तो उसने 2 काम किया, तो भाई 2 दिन में इनने 5 काम किए, तो या तो इस 30 को दुगना कर दो या फिर इस 5 भाग देने के बाद 6 × 2 कर दो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर दो। मुझे तो ये अच्छा लगा, भाई टॉपिक समझ लिया, बेसिक समझ लिया, तो 12 दिन आंसर आया, 6 दिन भी आपका वहां पर ऑप्शन में रहेगा, तो आपको एग्जाम में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, समझ गए। दूसरा कराऊंगा, दूसरे में और अच्छा समझ में आएगा। दूसरे ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में करता समाप्त। भाई ए जो है वो 16 दिन में समाप्त करता है और बी जो है वो 12 दिन में समाप्त करता है। हमसे पूछा गया है कि ए कार्य स्टार्ट करे, ए ने वर्क स्टार्ट किया है और हमसे कहा गया है कि भाई एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे, तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे, सारा काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो भाई जैसा मैंने आपको बोला है वैसा कर दो, कि 16 12 का लघुत्तम तो 48 हो गया, तो 16 × 48 = 48 ये हो गए इनकी यूनिट है ना, कि ये 3 काम करता है, ये 4 काम करता है। भाई ए ने स्टार्ट किया काम को है ना, तो ए बी का 2 दिन का काम कितना हुआ, 4 × 3 = 7, 2 दिन का काम ही है ना, तो या तो इसमें भाग दे 2 2 का, तो इसमें भाग देंगे 7/2 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, ऐसे मत करो आप, इसमें आपको दिक्कत आएगी है ना, इसमें आपको दिक्कत आएगी। देखो 7 का भाग दिया 48 में, सचिन 42 49 भाई सचिन 42 6 बार तो चला गया, 42 इसमें से माइनस करेंगे 48 में से कितना बचा, 6 बचा, तो 6 दिन तो ये तो 6 × 2 कर दिए, तो 12 दिन तो हमारे आ गए सेपरेट है ना। अब हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि हम इसको 6/7 लिख देंगे, नहीं लिखना आपको 6/7, क्यों, क्योंकि अब जो है बात आ रही है कि ए एक दिन करता है और बी
दूसरे दिन करता है ना, बी दूसरे दिन काम करता है। तो अब देखो, पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, ऐसे करते करते इनने 42 काम को तो कर दिए 12 दिन में। अब किसका नंबर आएगा वापस से, ए का नंबर आएगा। तो ए कितना काम करता है एक दिन में, 3 काम करता है। तो ए ने एक दिन काम किया और 3 काम खत्म कर दिया, तो 45 काम हो गए। 45 काम हो गए, 3 काम और बचा है। और ये भाई साहब एक दिन में 4 काम कर देते, ज्यादा करते हैं काम, तो इनको एक दिन में लगेगा, तो इनको लगेगा 3/4 दिन। तो भाई 12 और एक 13, और 13 सही 3/4 दिन जो है इन दोनों को काम समाप्त करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप भाई सब 6/7 सेपरेट कर दो और आप वहां पर इनमें से कोई नहीं लगा दो, ऑप्शन में ऐसा नहीं करना है ना, क्योंकि इनमें से कोई नहीं जब आएगा तब उनमें आपको ऑप्शन नहीं मिले, आप वहां पर बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है ना भाई। तुम्हारा भाई बता रहा है, इतने अच्छे समझा रहा है, तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगा और ज्यादा खाली आज। ए बी सी एक कार्य को कम से 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में करते हैं, ध्यान से देखना है ना। ए बी सी एक कार्य को भाई, ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, 11 दिन में, 20 दिन में और 55 दिन में करते हैं, है ना। ये लिख लिया हमने जैसा इनने हमें बोला था। अब क्या बोला गया है कि यदि ए के साथ एक दिन तो बी करे, भाई एक दिन तो बी करे, ए प्लस बी करे, और दूसरे दिन एक दिन ए बी के साथ और अगले दिन सी बारी बारी से काम करे, तो कार्य समाप्त करने में कितना दिन होगा। फिर ए प्लस सी काम करे, ए के साथ बी और फिर सी काम करे, फिर दूसरे दिन जो है वो ए प्लस सी काम करे, ऐसे भी अगले दिन ए प्लस बी वापिस से काम करेगा, फिर ए प्लस सी ऐसे काम करना है। तो वहां हम क्यों नहीं ए प्लस बी का एक दिन का काम, इनका एक दिन का काम निकाल लें, फिर आगे हमारा जो भी काम चलेगा। तो भाई 11 20 55 का एलसीएम लिया तो 220 आएगा, बोलो हाँ आएगा। 11 का 220 में भाग दिया 20 बार, तो इसने तो 20 काम किया, इसने 11 काम किया और इसने 4 काम किया एक दिन में, है ना। हमें निकालना ए प्लस बी का एक दिन का काम। तो भाई ए ने 20 और 11 काम किया, ए ने 20 और 11 काम किया, तो ए प्लस बी का 20 और 11 कितना हो, 31 काम, 31 काम कर दिया। और बी प्लस सी 11 और 4 कितना हो गया, 11 और 4 हो गया 15, 15 काम कर दिया इनने। भाई 11 और 20 जो है इनने क्या किया, 11 काम ने 220 में भाग दिया, 20 बार गया, 20 काम कर दिया इसने। बी ने क्या किया, बी ने 20 का भाग दिया हमने इसमें, सॉरी भाई यहां पर जो है ए प्लस सी है, तो 20 का काम और 4 काम, 24 का, 24 काम किया ए और सी ने। भाई ए बी लिख दिया था हमने, मतलब ए बी का जोड़ दिया था, ए सी का है, 24 काम किया है। अब देखना यहां पर, एक दिन इसने किया, दूसरे दिन इसने किया, तो अब तो हम जोड़ लेंगे 30 20 50 और 5 4 55 काम दोनों मिलकर दो दिन में करते हैं, तो हम 55 का 220 में भाग देंगे, टोटल काम 220 है, तो 55 में भाग दिया तो 4 बार गया, यानी कि 4 दिन में जो है ये काम समाप्त हो जाएगा। दोनों मिलकर नहीं कर रहे, अलग अलग कर रहे, लेकिन पहले दिन ये कर रहे, दूसरे दिन ये, हम चाहें तो भाई ऐसे कर सकते हैं इनको 31 24 31 24 से जोड़ जोड़ के, लेकिन आप जोड़ दो जहां तक पूरा पूरा भाग जाता है वहां तक तो रहने दो, आगे का फिर है ना अलग अलग उनका डिवाइड कर लो, कि भाई अगर यहां पर 230 होता तो अलग फंडा आता, 235 होता, 240, 250, 260, 270, मतलब 275 जो है उससे अगर कम रहता तो फिर हमारा जो है वो अलग अलग होता है ना। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे कौन से सवाल, अब हम करेंगे भाई वो वाले सवाल, कौन से वाले, वो वाले सवाल करेंगे कि भाई एक महिला ने क्या किया, पुरुष इतना काम करता है, महिला इतनी काम करती, वो वाले सवाल करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो कि 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में करते हैं। देखो 3 जो हमारे पास पुरुष है वो एक काम को 6 दिन में करते हैं, है ना। 3 पुरुष जो है वो एक काम को 6 दिन में करते हैं, जबकि 5 महिलाएं इसी काम को 18 दिन में करती। भाई महिलाएं कितनी हैं,
वहां छह वो 18 दिन लेती है, 5 महिला 18 दिन देती है, इनका काम जो है वो बराबर है। हमसे बोला गया है कि यदि 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर देंगी। भाई 4 पुरुष और 10 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा कर देगी, यह हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो देखना, हम यहां से अनुपात निकाल सकते हैं, महिला पुरुष का अनुपात निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। भाई ये 3 दिन में 6 काम करते तो एक आदमी कितने दिन में काम करेगा, तो 18 दिन में एक पुरुष काम करेगा, तो ये जो महिला है वो 18/90, महिला जो है वो ही काम एक महिला 90 दिन में करेगी, तो 18 × 18 और 18/90। भाई 1:5 हुआ कि नहीं, पुरुष बटे महिला, तो 1:5 का ये मत करो आप, तो 1:5 का अनुपात हुआ कि नहीं, कि भाई एक जो पुरुष है वो 5 महिला के बराबर है, एक पुरुष बराबर 5 महिला हो रहा कि नहीं हो रहा। भाई एक पुरुष बराबर 5 महिला हो रहा है, एक पुरुष बराबर 5 महिला हो रहा है, या फिर इसको पुरुष बटे महिला कर दो और ये हो जाएगा 5/1। एक पुरुष बराबर 5 महिला हो रहा है, तो आप यहां पर पुरुष को महिला चेंज कर दो, 4 पुरुष है हमारे पास, तो 4 × 5 महिला, तो 5×20 महिला और प्लस ये 10 महिला, यानी कि 30 महिला हो गई हमारे पास। तो जब 5 महिलाएं किसी काम को 18 दिन में करती है, भाई 5 महिलाएं किसी काम को, एक काम है उसको 18 दिन में करती है, 18 दिन में करती है, मैंने मिश्र समानुपात में कराया था कि भाई 5 महिलाएं किसी काम को 18 दिन में करती है, तो 30 महिलाएं, 30 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेगी, तो भाई x दिन में करेगी। काटा पीटी कर दो यहां पर, 5 से ये 6 बार गया, 6 से ये 3 बार कटा, तो x बराबर क्या आ गया, 3 दिन आ गया, है ना। सिंपल भाई, बिल्कुल कुछ नहीं करना, पुरुष में बदलना चाहो पुरुष में बदल लो, महिला में बदलना चाहो महिला में बदल लो, क्योंकि आज का जो जमाना है वो डिजिटल है, आजकल क्या है जेंडर चेंज हो जाता है, तो आप चाहो उसमें बदल लो, मेल को फीमेल में, फीमेल को मेल में बदल लो, जिसमें चाहो बदल लो। आपको क्या करना है, आंसर लाना, आंसर आया हमारा 3 दिन आया। भाई अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना क्या है भाई, आपको वीडियो अच्छे से देखना है, समझ में आए, दिमाग में घुसे, दिमाग को यहां से थोड़ा खोलो, यहां से खोलो और घुसा लो भाई। अगर घुस रहा है तो मैं जो समझा रहा हूँ, या फिर ऊपर से ही जाना, ऊपर से जाना तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार और देखना, फिर भी समझ में नहीं आई, मन ही नहीं लग रहा, तो भाई पढ़ना बंद करो, कोई अच्छा सा काम धंधा ढूंढो, क्योंकि उसी में बेनिफिट है ना। 1-2 साल तैयारी करोगे, कुछ नहीं होने वाला, मन नहीं लगने वाला, घर वालों के पैसे खत्म करोगे, अपना टाइम खराब करोगे, इससे अच्छा खराब बात है ये, अच्छी बात ये है कि कोई सा काम धंधा ढूंढो, अभी से किसी काम का एक्सपीरियंस लो, है ना। क्वेश्चन देखो अगला, जो लोग पढ़ने वाले हैं, 4 लड़कियां जो है एक काम को 8 दिन में समाप्त कर देती, 3 लड़के 9 दिन में, 7 पुरुष जो है वो 2 दिन में, और 5 महिलाएं 4 दिन में। हमसे पूछा है कि सबसे कम कार्य दक्ष कौन है, यानी कि कौन सबसे ज्यादा समय लेता, भाई जो ज्यादा समय लेगा वो कम कार्य दक्ष। भाई एक काम को क्या होता है, 4 लड़कियां 8 दिन में करती है, तो एक लड़की कितने दिन में करेगी, 4 × 8 दिन में, 32 दिन में। भाई अगर 4 लड़कियां 8 दिन में करती है, तो एक लड़की 32 दिन में करेगी। दूसरा देख लो, 3 लड़के 9 दिन में करते हैं, तो एक लड़का कितने दिन में करेगा, 3 × 9 यानी कि 27 दिन में करेगा। इसी प्रकार से एक पुरुष कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, एक पुरुष कितने दिन में करेगा, 7 × 2 यानी कि 14 दिन में करेगा, 14 दिन में करेगा। और अगला है कि 5 महिलाएं और 4 दिन में करती है, तो एक महिला कितने दिन में करेगी, एक महिला कितने दिन में करेगी, तो ये करेगी 5 × 4 यानी कि 5×20 दिन में। अब आपकी आंखों के सामने भाई ये 32 दिन में कर रहा है, ये 27 में, ये 14 में, ये 20 में, एक ही काम है, सेम काम है कि भाई आपको एक घोड़ा गाड़ी 10 किलोमीटर घसीटनी। अब आप आज करो, कल करो, कभी भी करो, सबसे कम टाइम में जो करेगा वो ज्यादा कार्य दक्ष, और जब सबसे ज्यादा टाइम में करेगा वो कम कार्य दक्ष।
क्षमता उसकी कम है, उसकी कैपेबिलिटी कम है। तो भाई ये जो भाई साहब है, मैडम है, लड़कियां जो है वो कम कार्यदक्ष है। तो हमारा इसमें आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी, यानी कि लड़कियां जो है वो सबसे कम कार्यदक्ष है। अब एक और क्वेश्चन है, उसमें क्या हुआ है, तीन लोग दे दिए हम, तो इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन तुम्हारा भाई नहीं होने देगा। देखो भाई, तीन पुरुष है, नहीं 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 यही था, इसमें तो दो ही लोग हैं। तीन पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। तीन पुरुष हैं किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, और 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में कर देते हैं। तीन पुरुष 18 दिन में करते हैं और 6 बच्चे 18 दिन में करते हैं। हमसे पूछा गया है कि 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। भाई 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। भाई इनका रेशियो निकाल लो कि पुरुष और बच्चे का रेशियो कितना, 18 से 18 कट गया, 1 ये आ गया और 6 का 2 ये आ गया। भाई 1:2 के अनुपात में है, यानी कि ये 1 दिन में किसी, यानी कि 1 पुरुष जो है वो 2 बच्चों के बराबर है, यानी कि 4 पुरुष जो है वो 4 × 2 = 8 बच्चों के बराबर है। तो 8 और 4 कितने हो गए, 12 बच्चे हो गए। भाई 6 बच्चे किसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो 12 बच्चे उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 1 दिन में करेंगे। भाई 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12, 2 × 3 = 6 और 3 × 3 = 9 दिन। 9 दिन में क्या करेंगे, ये जो 4 पुरुष और 4 बच्चे हैं, या फिर 8 बच्चे और 4 बच्चे, 12 बच्चे इस काम को 9 दिन में कर देंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा था कि भाई 4 पुरुष और 4 बच्चे कितने दिन में करेंगे, तो वो कर देंगे 9 दिन में, है ना। तो ये हमारा आ गया आंसर। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देख लो भाई, है ना, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देखो, ताकि बिल्कुल 1% भी प्रॉब्लम नहीं आए आपको, है ना। 6 लड़के या आपको ध्यान रखना है, और या यानी कि और अथवा, तथा और अथवा में डिफरेंट रहता है, तथा और अथवा में डिफरेंट रहता है, याद रखना। 6 लड़के या 4 पुरुष एक काम को 18 दिन में करते हैं। 6 लड़के किसी काम को 18 दिन में करते हैं, या 4 पुरुष इस काम को कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में करते हैं। हमसे पूछा गया है कि 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर से कितने दिन में करेंगे। भाई 3 लड़के और 10 पुरुष इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो भाई इन दोनों का कंपैरिजन कर लो। इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो भाई पुरुष बटे बच्चे बराबर 4/6, यानी कि 2/3, 2:3, यानी कि 2 पुरुष बराबर 3 बच्चे, 2 पुरुष बराबर 3 बच्चे होंगे, है ना। 2 पुरुष बराबर 3 बच्चे होंगे, तो जो लड़को है, पुरुष हैं, इनको चेंज कर लो, पुरुष को क्या करो, चेंज कर लो, या फिर इनको ऐसे, अरे यार ये क्या कर दिया, 6/4, 6/4 हो गए, क्योंकि ये 4p दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो 4 पुरुष बराबर 6 लड़के। देखो यहां पर हमने अनुपात जो है थोड़ा सा गलत लिख दिया, तो यहां पर अभी हमारा आंसर गलत हो जाता, 4 पुरुष बराबर 6 लड़के हो रहे हैं यहां पर, क्योंकि दोनों 18 दिन में कर रहे हैं। तो भाई ये तो हो गया, 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, तो 2 पुरुष बराबर क्या हो जाएंगे, 3 लड़के हो जाएंगे, या फिर ये हो जाएगा 3/2 लड़के। पुरुष बराबर 3/2 लड़के होंगे, तो 3 लड़के तो हमारे पास पहले से थे, प्लस का 10 × 3/2 करेंगे तो ये कटेगा 5 × 5 = 15 लड़के, 15 और 3 = 18 लड़के हो गए। अब जो करना है वो कर लो इनके साथ, भाई जब 6 लड़के 18 दिन में करते हैं किसी काम को, 6 लड़के 18 दिन में करते हैं किसी काम को, तो 18 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, 1 दिन में करेंगे, 18 से 18 कट गया और 1 बराबर आ गया हमारा 6 दिन। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 6 दिन में जो है 3 लड़के और 10 पुरुष इस काम को निपटा देंगे, क्या कर देंगे, निपटा देंगे, 3 लड़के और 10 पुरुष, 3 लड़के पूछे, 3 लड़के और 10 पुरुष इस काम को
निपटा रही है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन आने वाले हैं, ये जो क्वेश्चन है इनसे डिफरेंट है। इन क्वेश्चन से जैसे मैंने दो टाइप आपको करा दिया, अब क्या है ये थोड़े से लॉजिकल है, अलग टाइप के हैं, इनको भी देख लो, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, जो भी करूंगा आगे देखते जाना आगे आगे होता है क्या। क्वेश्चन देखना कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा कार्य करता है। भाई बी जो है किसी काम को एक्स मिनट में कर, एक्स दिन में करता है तो ज्यादा ही गाना चलते हैं, है ना। बी जो है किसी काम को एक्स दिन में करता है तो ये कह रहा है कि ए उस काम के आधे काम को 1/6 दिन में करता है। बस 1/6 दिन में आधा काम करता है तो बाकी जो आधा काम है वो भी 1/6 दिन में करेगा, है ना। और एक्स का है तो भाई एक्स का 1/6 होगा ना, 1/6, है ना। तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा, 2x/6 दिन, यानी कि हो जाएगा 1/3 दिन। हमसे बोला गया है कि किसी काम को बी जितने दिन में करता उस काम के आधे काम को ए जो है वो एक उसके 1/6 दिन में कर देता है, है ना। समय लेगा वो, दिन नहीं दिया समय है, तो हमने दिन मान लिए, घंटे मान सकते हैं पर दिन मान लिया हमने। यदि दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त करें, भाई ए और बी मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त करें, तो जो बी है अकेला ऐसे कितने दिन समाप्त करेगा, हमने अभी हमें अभी दिन नहीं दिए दोस्तों, बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। जब हमने देखा है कि ए और बी का जब हमें निकालना रहता है हम क्या करते हैं, इसका उसका लघुत्तम लेते हैं, यूनिट निकाल लेते हैं, तो इसका और इसका लघुत्तम लिया जब हमने तो आया 1/3। लघुत्तम जब 1/3 आया तो ये भाई साहब का एक्स में भाग दिया तो ये 1/3 काम करते हैं बी, ये बी है, है ना। और ये भाई साहब क्या करते हैं, 1/3 का 1/3 में भाग दिया तो ये करते एक काम, यानी ये एक काम करते हुए 1/3 काम करते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर ये एक दिन लेते हैं और 1/3 दिन लेते हैं, या फिर ये तीन दिन लेते हैं तो एक दिन लेते हैं, तो इनकी कार्य क्षमता ज्यादा है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और इसमें भाग लगाते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, टोटल दिन निकल जाते हैं, है ना। तो ये 1/3 + 1 जोड़ा तो 3 × 3 और 1 = 4/3, भाई टोटल 4/3 काम कर रहे हैं एक दिन में, और इस काम को ये टोटल काम है तो इसमें हम भाग लगाते हैं तो 4/3 का भाग लगाए, 3 से 3 कट गया और 1/3 दिन आए, और जबकि 1/3 दिन जो है a+b का काम है, हमें दिया है a+b का काम, तो हम 1/3 बराबर लग देंगे 10 दिन, तो ये 10 का ये 3 से 3 कट गया, 4 यहाँ आया है तो ये 4 रख दिया, एक्स बराबर कितना आ गया, 4 × 40 दिन, 4 × 40 दिन आ गया, यानी बी जो है वो 40 दिन में किसी काम को करता है उसका 1/3, यानी कि 40/3 दिन में ए उस काम को करता है। तो ये हमारा आंसर आ गया, यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना। 40 दिन जो है हमारा आंसर आ गया। इस टाइप से आपको इन सवालों को करना है। इसके बाद अगला सवाल देखो, वो थोड़ा सा और डिफरेंट है। देखो भाई 11 बज रहे रात के, इन कुत्तों को देखो भोग रहे, ये कुत्ते उन्हीं लोगों की तरह हैं जो लोग जो आपको काम नहीं करने दे। बहुत सारे लोग ऐसे होते जो भौंकते रहते हैं फालतू में, भाई तेर से ये नहीं होगा, तेर से ये नहीं होगा, तू ये मत कर, तू वो मत कर। ये जो कुत्ते हैं ये उन लोगों की तरह ही हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे मैं इन कुत्तों के भौंकने से वीडियो बन नहीं कर रहा हूँ ना, ऐसे ही आपको भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, अपना काम बिल्कुल जारी रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, यानी कि ये किसी काम को 1 दिन में करता है तो ये 3 दिन में करता है, ना है ना लॉजिक वाली बात, यानी कि इसकी जो कार्य क्षमता है ये 3 काम करता है 1 दिन में और ये 1 काम करता है 1 दिन में, है ना। ऐसे ही है, अब ये हमने रेशो निकाला सिर्फ इनका, है ना। इसको आप चाहो तो इसको एक्स और इसको 3x मान सकते, है ना। अब क्या बोला, अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम समय में पूरा कर सकता है। ये जो है ये इससे 60 दिन कम समय में पूरा कर सकता है, यानी कि ये 3x दिन में करता है, ये x दिन में, तो 3x - x = 60,
2x बराबर 60, 2 से भाग दिया तो x बराबर 30 दिन। भाई x बराबर 30 दिन आ गया, यानी कि ये जो है ये 30 दिन में किसी काम को समाप्त करता है, और ये करता है 3×9 यानी कि 90 दिन में। तो दिन तो हमारे निकल आए कि 30 दिन में करता है, 60 दिन में करता है। अब हमसे पूछा ए बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन समाप्त करेंगे। भाई क्या रखा है इसमें, क्या रखा है? कुछ भी नहीं रखा है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट करो, ज्यादा सी आने बन दो। अरे क्या है यार, है ना, आप कमेंट तो करके बता दे नहीं हो मुझे आंसर, तो इसका कमेंट करके बताना कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी 90 दिन में, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, है ना, ये बताना मुझे कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बैंक पीओ में पूछा गया। भाई बैंक पीओ में देखो, है ना, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। ए द्वारा एक दिन में किया गया जो कार्य है वो बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। ये यानी ये एक काम करता है जो एक, ये एक्स बटे दो काम करता है, ये एक्स काम करता है, ये एक दिन में एक्स काम करता है, एक्स बटे दो काम करता है। अब हमसे आगे इसका भी बाप बेटा आया, नोक नोक तेरा बाप आया, तो क्या है कि फिर उसमें क्या बोला गया कि बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। सी द्वारा, बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, यानी कि इसका आधा ये है। तो इसने एक्स काम किया, ये एक्स काम करता है एक दिन में, ये एक्स बटे दो काम करता है, और इसका आधा ये करता है, तो भाई इसका आधा कितना होगा, एक्स बटे चार काम करता है, समझ गया ना, इसका आधा ये। अब हमसे पूछा है कि सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर देता है, है ना, ये हमने दिन नहीं निकाली, इनके काम निकाले हैं, है ना, तो काम का उल्टा इनके दिन रहते हैं, ये आपको याद रखना है ना। तो हमसे बोला गया कि सी जो है किसी काम को 7 दिन में समाप्त कर देता है, तो ये अगर आधा टाइम लगाता है तो 7×14, ये बी जो है 14 दिन लेगा, और ये कितना दिन लेगा, 28 दिन लेगा। हो गया ना हमारा सिंपल सॉल्यूशन, ये 7 दिन लेता है, ये 14 दिन लेता है, 28 दिन लेता है, और जो काम है ये एक काम करता है, 1/2 काम करता है, 1/4 काम करता है ना। हमसे पूछा गया है कि एबीसी तीनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो भाई एबीसी मिलकर 14, 28 और 7 का लघुत्तम तो 28 आएगा, तो 7×28 ने इसने 4 काम किया, 14×28 ने 2 काम किया, और 28×28 यानी कि इसने 1 काम किया। भाई है ना इसका एक्स का चार बटे चार है ना, इसका 4/4 यानी 1 काम, 4/2 यानी कि 2 काम, है ना, ऐसे 4×2 6 और 1×7 काम करते तीनों मिलकर एक दिन में, तो ये करेंगे 4 दिन में इस काम को समाप्त कर देंगे। तीनों भाई बहुत ही सियाने हैं, बहुत ही कार्य कुशल है, तो ये 4 दिन में इस काम को समाप्त कर देंगे। समझ गए भाई, समझ में आया तो तुम्हारे भाई के वीडियो को लाइक करना, और नहीं आया तो डिसलाइक करके भाग जाओ कमेंट करके कि भाई ये दिक्कत आई है और इस दिक्कत का कोई सॉल्यूशन बताओ, तो तुम्हारा भाई बताएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जाओ क्लास बंद, है ना। ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिनों में करते हैं। भाई ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिन में करते हैं, है ना, ये हम मेथड से करेंगे, इसमें वो जो यूनिट वाला है वो सिस्टम नहीं निकालेंगे, है ना। ए अकेला इस काम को टी प्लस 3 दिन में करता है, ए अकेला इस काम को टी प्लस 3 दिन में करता है, और बी अकेला इसे टी प्लस 12 दिन में करता है, है ना, टी प्लस 12 दिन में करता है, तो टी का मान कितना, भाई टी का मान निकालना हमें, है ना। तो जब ये अकेला इतने दिन में, ये अकेला इतने दिन में, और ये इतने दिन में, तो इसका एक दिन का काम निकाल लो, इसका एक दिन का काम निकाल लो, निकल जाएगा ना, इसका एक दिन का काम निकाल लो, इसका एक दिन का काम निकाल लो, या फिर चाहो तो आप अगर चाहो तो क्या नहीं हो सकता, आप अगर चाहो तो क्या नहीं हो सकता, दिन तो कभी माइनस में आएंगे नहीं, है ना। तो ये अकेला कितने दिन में करता है, टी प्लस 3 दिन,
और ये करता है टी प्लस वन अरेंजमेंट, और दोनों मिलकर करते हैं टी दिन में, है ना। तो टी ओ टी टू टी, टी ओ टी टू टी, और 12 और दिन कितना हो गए 15, 12 और दिन 15 हो गए। तो यहां से तो नहीं निकलेगा भाई, यहां से तो उल्टा पड़ जाएगा, यहां से तो उल्टा पड़ जाएगा। हमें क्या करना है, एक ही दिन का काम निकालो भाई, एक दिन का काम निकालो, एक अकेले का काम। निकल जाएगा ना। अब देखो भाई इसका एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना होगा भाई, एक बटे टी प्लस टी, और इसका एक दिन का काम होगा एक बटे टी प्लस बार, और इसका एक दिन का काम होगा एक बटे टी, है ना। तीनों को बराबर में रख लो कि भाई एक बटे टी प्लस तीन प्लस का एक बटे टी प्लस बारह बराबर एक बटे टी, है ना। गुना भाग अगर हम करेंगे तो इसका ही कर लो गुना भाग, ये जो है इसका ही कर लो बराबर में, इसके बराबर में इसको उधर गुना भाग कर लो, तो ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो ये हो गया टी प्लस तीन प्लस का टी प्लस बारह, जुड़ रहा है ना टी बारह इधर, कैसे कर दो इनका गुणा करेंगे तो टी का टी में गुणा किए तो टी का स्क्वायर प्लस का तीन टी और बारह तीन बारह टी पंद्रह टी, है ना, और बारतिया छत्तीस, छत्तीस हो गया। अब ये जो टी है ये इसका गुणा इसमें होगा, इस टी का इसमें गुणा होगा, तो भाई कर लो टी का स्क्वायर प्लस का तीन टी प्लस का फिर टी का स्क्वायर प्लस का बारह टी बराबर टी का स्क्वायर प्लस का पंद्रह टी प्लस का छत्तीस, है ना। बारह और तीन पंद्रह टी और पंद्रह टी इधर, तो ये कट जाएगा और टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, बचा टी स्क्वायर बराबर छत्तीस, तो टी बराबर कितना आ गया छह, भाई छह हमारा आंसर आ गया, यानी कि छह दिन में ये करेगा, और ये छह और तीन नौ दिन में करेगा, और ये बारह से अट्ठारह दिन में करेगा, है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन भाई, सारे क्वेश्चन जो मैंने इस चैप्टर में कराए, इससे पिछले वाले चैप्टर में अगर आपने देखा हो तो वो कराए, सारे क्वेश्चन अच्छे से बिल्कुल दिमाग में घुस के बैठ गए होंगे, तरीका समझ में आ गया होगा, मेथड समझ में आ गई होगी, ट्रिक समझ में आ गया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा, बिल्कुल एक लेवल में जो जीरो पे है, और जिनको बहुत अच्छे समझ में आता है सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने सभी के लिए बहुत अच्छे से समझाया भाई। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इधर रेड बटन जो है सब्सक्राइब की उसको दबा दो, सब्सक्राइब कर लो, और ये बेल आइकन को दबाओ ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप चूके नहीं पाए। रेगुलर आपको यहाँ पर सारे चैप्टर मिलेंगे, एग्जाम नोटिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, मोटिवेशनल वीडियोज मिलेंगे, आप किसी काम को कर रहे हैं आपको दिक्कत आ रही है डिमोटिवेट हो रहा है, तुम्हारा भाई ये सब कुछ सिखाएगा कैसे आपको काम करना है, कैसे एग्जाम के प्रति आपको स्ट्रेटेजी करनी है, कैसे आपको तैयारी करनी है, एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, सब कुछ यहाँ बताएगा तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको यहाँ पर ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, प्रैक्टिस करते रहना और मेहनत करते रहो, जय हिंद जय भारत।